श्री भगवंत मान जी, मैं भगवंत मान जो लोकसभा का मैंबर चुने गया हाँ, ईश्वर की सहुं खांदा हाँ कि मैं कानून राही स्थापित भारत के संविधान प्रति सच्ची श्रद्धा ते निष्ठा रखांगा, भारत की सर्व समर्था ते अखंडता नूं कायम रखांगा अते जिस अहुदे नूं मैं संभालण वाला हाँ उहदे कर्तव्यां नूं श्रद्धा पूर्वक निभावांगा। इनकलाब जिंदाबाद। मैं ही बोलूंगा। श्रीमती सोनिया गांधी जी, मैं सोनिया गांधी जो लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक निर्वहन करूँगी। श्रीमती मेनका संजय गांधी जी, मैं मेनका संजय गांधी जो लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी। I, Rahul Gandhi, having been elected a member of the House of the People, do solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. Thank you. Thank you. श्री एम के राघवन,
श्री प्रताप चंद्र सारंगी जी। अहम प्रताप चंद्र षडंगी लोकसभायाः सदस्यत्वेन निर्वाचितः निश्चयेन परमेश्वरस्य नामना सपे यदहं विधिना स्थापितं भारतस्य संविधानं प्रति सत्यां श्रद्धां निष्ठां च धारयिष्ये यदहं भारतस्य संपूर्ण प्रभुत्व संपन्नतां अखंडतां च रक्षिष्यामि तथा यत् पदं गृहीतु महमुद्योतोष्मि तस्य कर्तव्यानि श्रद्धापूर्वकं निर्वक्ष्यामि। श्री सनी देओल जी। I, Sunny Deol, having been elected a member of the House of the People, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. श्री असादुद्दीन ओवैसी जी। मैं असादुद्दीन ओवैसी, जिसे लोकसभा का रुकन मुंतखब किया गया है, खुदा के नाम से हल्फ उठाता हूं कि मैं भारत के आईन पर, जो कानून के बमूजब तय पाया है, एतिकाद रखूंगा, उसका वफादार रहूंगा। मैं भारत के इख्तदार आला और सालमियत को बरकरार रखूंगा, और जिस ओहदे को मैं संभालने वाला हूं, इसके फराइज वो वफादारी से अंजाम दूंगा। जय भीम, जय मीम, तकबीर, अल्लाह अकबर, जय हिंद। श्री रविशंकर प्रसाद जी। मैं रविशंकर प्रसाद, जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा, तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं, उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा।
I, Gautam Gambhir, having been elected a member of the House of the People, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. Tejasvi Surya. ತೇಜಸ್ವಿ ಸೂರ್ಯ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನವನಾದ ನಾನು ಲೋಕಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯನಾಗಿ ಚುನಾಯಿತನಾದವನಾಗಿ ಕಾನೂನು ಮೂಲಕ ಸ್ಥಾಪಿತವಾದ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಸತ್ಯ ಶ್ರದ್ಧೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ನಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೇನೆಂದು ಭಾರತದ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವವನ್ನು ಮತ್ತು ಅಖಂಡತೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುತ್ತೇನೆಂದು ಮತ್ತು ನಾನು ಈಗ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿರುವ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಶ್ರದ್ಧಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೇನೆಂದು ದೇವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ.